that is Z-God and he has a lot of responsibilities on his shoulders. Kya yahan pe Z-God unko fulfill kar payenge? Kya is situation mein apni team ko aage le ja paana sambhav rahega? Because 11 meter ka circle hai and yahan pe revive karne ke liye time zyada nahi hai. But yes, he is sticking to the revive. Ne dalne ki koshish, smoke dalne ki koshish, maar toh gaming ki taraf se this got lead out hote hain, humko nazar aane wale hain. But the main thing is this aakhri end game zone mein sabse zyada needs jo mujhe nazar aa rahe hain wo Ultron ke paas hai. Because Ultron ne abhi tak bhi apni presence zyada showcase nahi kari hai. Z-God goes for the spray, takes down Jordan and Gil yahan pe grenade dalne ki koshish karte hain. Ultron will be taken down. आखिरी की चौथी में वर्ल्ड के सीपर की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज और जो भी गिल ने उनकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज करी अपनी टीम में से बैकअप मांग रहे हैं बट बैकअप नहीं चाहिए. Gil is going to take him down. Okay, not actually Gil. Pieces of third party आती है blind के players की तरह से and they're going to steal the kill. आखिरी तीन टीम में 10 किल आ रही 3v4v क्यों हमको 3v3v3 नजर आने वाला है. But let's see team line जिनके पास सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज है सर्कल का कहीं ना कहीं अब वल्नरेबल हो सकते हैं. देखिए बहुत देर से ग्रेनेड स्पैम करने की कोशिश कर रहे हैं मार्कोस गेमिंग के प्लेयर पर ब्लाइंड के प्लेयर नॉक होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. लूक फाइट्स ले रहे हैं, लूक या स्नाइक एरिया से निकल के आने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं बट यहाँ पर ब्लाइंड के प्लेयर जोन का इतना बढ़िया यूज कर रहे हैं ज्यादा फाइट्स विन नहीं हो रहे. उसके बाद यहाँ पर प्रबल दावेदार मैच में चिकन डेरा निकालने की बेटा बाद यदि यहाँ पर प्रभाव करेगी तो बहुत ही बढ़िया स्पेस यहाँ पर निकल कर आते हैं ब्लाइंड की. वो गेम टू फोर्टाइन से पूरा से मार्कोस गेमिंग की टीम परेशान कर रही है और इन ड्रॉ को वो तो वापस लड़के यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहे हैं और ब्लाइंड की टीम कहीं ना कहीं एक अपर हैंड एंजॉय कर रही है. सूर्य कम अप विद अ फाइनल ग्रेनेड. ब्लाइंड की टीम काफी ज्यादा दिक्कतों में है. उधर वहां पर जॉर्डन ने आफत मचा रखी है. डोर एचपी पर मेनली सर्वाइव कर रहे बट ओ गेल यू आर इन ओपन. यहां पर फर्स्ट शॉट लगा जरूर से ले बट एक जंप शॉट मैंने एक्सपेक्ट किया था और देखते ही देखते हुए जो की टीम डाउन हो जाती है आराम से कूल हो गए काफी इजीली यहां पर मार्कोस गेमिंग के फाइनली हील अप करेंगे. बट जो विस्कॉट का ग्रेनेड आ रहा है दिस माइट बी द डिसाइडर वन. मार्कोस गेमिंग विस्कॉट का ये ग्रेनेड से ब्लाइंड की टीम को बचना पड़ेगा. गाड़ी के पीछे हार्ड नॉक कवर के पीछे जो ये रुके हुए शायद दिक्कत बढ़ा सकता है. और पॉइंट पे जाते हैं यहां पर सूर्य के किल को यहां पर डाउन कर दिया जाता है. वेस्ट गॉड विल यू बी एबल टू कम अप विद द ग्रेनेड? नो. बहुत सी ग्रेनेड जो ऑलरेडी कर चुका है. अब सारे यूटिलिटीज खत्म हो चुकी है. दे आर एग्जॉस्टेड. बट ब्लाइंड के लिए जो यहां पर हार्ड रॉक कवर की जो स्पॉट ले जाता है स्ट्राइक वहां पर निकले प्रोडाउन है. फाइनल बुलेट ऑफ दिस माइट बी द डिसाइडर वन. इफ इट डस सम डैमेज विलियम गॉट दिस कनेक्शन जस्ट विद दैट बुलेट ऑफ लास्ट मैच सेटिंग. व्हाट इज गॉन इन ऑफ स्ट्राइक बिकम द लास्ट प्लेयर एंड वेस्ट गॉड इज लुकिंग अ स्ट्रॉन्ग इवन. ये चिकन डिनर मार्कोस गेमिंग के हाथ से कोई नहीं लेके जा सकता. साइको क्या यू आर गोइंग टू डू दिस फॉर अ ट्रबल सेट राइट मॉर्निंग ऑफ द सिलेक्शन डन गॉड. What is happening right there? अकेले बच्चों में साइको इतना लंबा सर्वाइवल बहुत कम देखने को मिलता है. एंड लुक एट दैट क्रैकी वो अभी तक रिवाइवल दे दे जा रहे हैं. What is happening right there? What is happening right there? What is happening right there? Oh, it's a 1v1. Finally, it's a 1v1. Will he be able to get it done? Marcos King was good. Come on. You have crossed a lot more hurdles to get this chicken dinner done. Will you be able to get it done? No, he did. What just happened? Who got that chicken dinner? Was that was good? Yes, Marcos it is. Marcos King. Oh, my God. What a match we had. What a match.